भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आज नामांकन करा रहे हैं और उससे पहले यहाँ पर रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम लोधी जी पहुँचे हैं। घनश्याम जी, ये बताइए, आज नामांकन हो रहा है, क्या तैयारी है भाजपा की इस उपचुनाव को लेकर के? देखिए, तैयारी कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे जो रामपुर के जो सांसद जो हमें मिले हैं, जो रामपुर की आन, रामपुर की शान, रामपुर की जो हमें जो प्रतिष्ठा मिली है रामपुर को, तो मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य रामपुर वालों के लिए, क्योंकि रामपुर वालों के लिए लड़ते रहे वो। और पार्टी ने जो निर्णय किया है बड़ा स्वागत योग्य है और हम उसका सब लोग स्वागत करते हैं। आज से लड़ाई हमारी शुरू है, क्योंकि आज सब नामांकन करने जा रहे हैं और सब बड़ी भारी संख्या में सब लोग नामांकन पहुंच रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ में आपने सेंध लगा दी थी, जीत गए थे। आप आकाश सक्सेना विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं शहर सीट पर, इस पर क्या उम्मीद आप करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रामपुर में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? देखिए, पहले उपचुनाव हुआ तब भी कमल यहाँ खिला था, आज उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर है ना आकाश सक्सेना जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं, पहले कहते थे लोग गढ़ है, यहाँ किसी का गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। और मैं समझता हूँ जो भी सीट यहाँ से चुनाव जीतेगा वो जीतेगी। आज़म खान ने समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है, वो पिछले चुनाव में लोकसभा के आपके मुकाबले पर थे, हार गए थे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए क्या बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस सीट पर आज़म खान 10 बार विधायक चुने गए हैं? देखिए, मैं सीट पे कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, ये नहीं देखती हमारे सामने कौन लड़ रहा है, आसिम राजा हों या दूसरे कोई हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके घर का भी होता तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहा है और मैं समझता हूँ ये 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामपुर के घनश्याम लोधी, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा ने यहाँ पर कमल खिलाया था रामपुर में, उसी तरह से एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा जो है कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। बैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।